कोकन के जो खाने होते हैं ना, उसकी खुशबू, जायका, बनाने में जो सादगी होती है वो वाकई में दिल को छू जाती है। इन सब बातों के साथ थाली स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं सुरमई थाली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मन्नाज एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब खैर से होंगे, मजे में होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल दाल के साथ। इसके लिए 1 कप तूर दाल, 1/4 कप मूंग दाल अच्छी तरह से 2 दफा पानी से धो लिया और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है। 25 से 30 मिनट के बाद इसे बॉईल कर लेना है। बॉईल करते वक्त इसमें डालना है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, जायके के हिसाब से नमक, साथ में 2 तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच असली घी का। ये कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो ढाबे में इस्तेमाल किए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक पानी डालते हुए इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। जैसे ही दाल बॉईल हो जाती है तो करते हैं तड़के की तैयारी। तो इसके लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसमें जाएगा अक्खा जीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ अक्खा धनिया 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हींग, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके डालना है। प्याज की रंगत बदलने पे चॉप किया हुआ लहसुन 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 बड़ा चम्मच, 1 इंच का अदरक चॉप किया हुआ डालना है। अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छे से मिला लेना है, भून लेना है। 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से कट करके डाल देना है। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है तो अब इसमें हम डालेंगे बॉईल की हुई दाल। इसे थोड़ा मैश करके डाल दें, अच्छी तरह से मिला लें। जायके के हिसाब से नमक डालना बिल्कुल भी ना भूले। फ्लेवर को एक और स्टेप बढ़ाते हुए फ्रेश हरा धनिया बारीक कट करके डाल दें। लीड से ढक के 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे रहने दें। जबरदस्त खुशबू बिखरती हुई ढाबा स्टाइल में दाल तैयार है। अब बनाते हैं कोकन की बहुत ही फेमस जौला भाजी के साथ। जौला को कोकन में कोलिम भी कहते हैं। ये ड्राई फिश होती है। तो इस कोलिम को मैंने एक बॉल भर के लिया है, पानी से धो के फिर इसे कुछ वक्त तक पानी में भिगो के रखना है। पैन में करीब 1.5 टेबल स्पून तेल डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू लो की तरफ रखें। तेल गर्म होने पे प्याज की भाजी के सफेद प्याज को कट करके डाल दें। अगर ये प्याज कम लगे तो दूसरी नॉर्मल प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने पे इसमें भीगे हुए जौला यानी कि कोलिम डाल दें। प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते रहे। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जायके के हिसाब से नमक डालना ना भूलें। अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें 1/2 कप के करीब थोड़ा पानी ऐड कर लेना। 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने दें। अब इसमें हरी प्याज की भाजी कट की हुई डाल दें। अलट पलट करके मिला ले। अच्छे से मिला लेने के बाद 1 से 2 मिनट आंच पे रहने दें, फिर हटा दें। प्याज की भाजी के साथ कोलिम का कॉम्बिनेशन 1 नंबर, बहुत ही जबरदस्त। अब जो बनाने जा रहे हैं वो है सोल कड़ी। फिश थाली सोल कड़ी के बिना अधूरी सी लगती है। तो इसके लिए 1/2 कप कोकम 25 से 30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखना है। 1 बड़ा फ्रेश ताज़ा नारियल जिसके मैंने पीसेस किए हैं, इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। नारियल का सिर्फ व्हाइट वाला हिस्सा लेना है। इसके साथ लेना है 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून अक्खा जीरा, जायके के हिसाब से नमक, बीटरूट के पीसेस 1 बड़ा चम्मच और पानी ऐड करते हुए पीस लेना है। देखिए इस तरह से बारीक पीसा गया है। इसे छन्नी में निकाल लेना है। अब इसे जितना हाथ में आ सके लेकर इसका रस निकालना है। इसी मेथड को एक और दफा कर लेना है। पानी ऐड करके मिक्सी में पीस लेना है और उसी तरह रस निकालते जाना है। काफी सारा रस इसमें से हमने निकाल लिया है तो अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं। कोकम को हमने भिगो के रखा था तो उसी पानी में इसे मैश कर लेना है या फिर रस निकाल लेना है। कोकम के रस को भी छन्नी से छानते हुए मिला लेना है। मेरे एक वेल विशर भाई है,
उनका सरनेम है सोलकर। तो जब भी सोलकरी का जिक्र होता है तो हम उन्हें इसी स्लोगन के साथ याद करते हैं, सोलकर पिएगा सोलकड़ी। अब बनाते हैं फिश कटलेट। तो इसके लिए सुरमे फिश के दो स्लाइसेस लिए हैं। इसका कांटा निकाल लेना है, बोनलेस बना लेना है। कटलेट के लिए सुरमे फिश बहुत ही सही है। अब इस बोनलेस फिश को बॉईल कर लेना है। एक हांडी में 1 टेबल स्पून तेल लेना है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही तेल ने तबाही मचा दी। इस तबाही को शांत करने के लिए 1 ग्लास पानी ऐड कर लिया, जायके के हिसाब से नमक और बोनलेस फिश ऐड कर लिया। फिश को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्द पक जाती है। 5 से 6 मिनट के बाद फ्लेम से अलग करके ठंडा होने दें। कटलेट में जो दूसरी चीजें शामिल होने वाली है उसमें 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश करके लेना है, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 छोटा गाजर चॉप किया हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप करके लेना है। बॉईल फिश को इस तरह से शेड करते हुए डाल दें। दूसरे स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। इसमें भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, 1/2 बॉल के करीब फ्रेश हरा धनिया चॉप किया हुआ, 1 बॉल ब्रेड क्रम का और जायके के हिसाब से नमक, आखिर में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कटलेट के शेप दे देना है। सारे कटलेट तैयार है। फ्राई करने के लिए 1 अंडे का घोल और ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करेंगे। पहले अंडे के घोल में डिप कर लेना है, फिर ब्रेड क्रम लगा लेना है। पैन में 2 टेबल स्पून तेल डाल लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है। धीमी आंच पे क्रिस्पी होने तक अलट पलट करके इसे फ्राई कर लेना है। इसी तरह बाकी के कटलेट भी फ्राई कर लेना है। वैसे सभी रेसिपी एक से बढ़कर एक है, लेकिन अभी जो रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो वाकई में अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, सुरमई मसाला फ्राई। इसका जो मसाला बनने जा रहा है खाने में इतना टेस्टी होता है, आपने जरूर ट्राई करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसे बना। इसके लिए 8 से 9 सूखी लाल मिर्चें पानी में भिगो के रखे करीब आधे घंटे के लिए। जब मिर्चे सॉफ्ट हो जाए तो इसे पीस लेना है। साथ में 1 छोटी प्याज कट करके, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच का अदरक, 9 से 10 फ्रेश कड़ी पत्ता, इससे खुशबू अच्छी आती है, 1 टेबल स्पून के करीब पानी में भिगोई इमली, 1 टेबल स्पून अखा धनिया, 1 टीस्पून अखा जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक जायके के हिसाब से, फ्रेश हरा धनिया और थोड़ा पानी ऐड करते हुए फाइन पेस्ट बना लेना है। इस मसाले को फिश पे अच्छे से लगा लेना है। फिश को लगाने के बाद जो मसाला बच जाता है इसे साइड में रख दें। फिश को मैरिनेट करने के बाद कम से कम 1/2 घंटे के लिए रख दें और फिर इसे शैलो फ्राई कर लें। पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। तेल गरम होने पे इसमें फिश के स्लाइसेस फ्राई कर लें। फ्लेम को धीमा रखें। एक तरफ से फ्राई होने पर पलट दें और दूसरी तरफ से हो जाए तो निकाल लें। अब इसी तेल में जो मसाला बाकी रह गया था वो डाल दें। अच्छे से भुनाई कर लें। 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेने के बाद फ्राई की हुई सुरमे के स्लाइसेस इस पे रख दें। जो मसाला आसपास है उसे फिश पे लगा लें। सुरमई मसाला फ्राई रेडी है। माशाल्लाह, सी फूड लवर्स के लिए कोकन की ऑथेंटिक टेस्ट से भरपूर सुरमई थाली रेडी है। फिश थाली की शान में बनाया है
सुरमई मसाला फ्राई, फिश कटलेट, प्याज की भाजी सूखा कोलिम के साथ, ढाबा स्टाइल में दाल साथ में सोल कड़ी, एक से बढ़कर एक रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत को कामयाब बनाने के लिए एक लाइक तो करना बनता है। कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर ले। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।